साथियों नमस्कार आप लोगों ने शुरू कर दिया है देखना लेकिन हम जहाँ हैं जोशीमठ में यहाँ की हालत ये है कि दो दिन से लाइट नहीं है और मैं ये जो चला पा रहा हूँ अभी तो ये जुगाड़ है ये गाड़ी है और गाड़ी की हेडलाइट से लाइट आ रही है और गाड़ी की बैटरी से ही इसे चार्ज कर रहा हूँ और ये सामने पूरा पूरा शहर जो है अंधेरे में डूबा हुआ है तो जिस जनता से मुझे मुखातिब होना था आज और जिनसे बात करनी थी वो तो सब अंधेरे की वजह से उनका मोबाइल सबका डिस्चार्ज होगा और वो मुझे लगता नहीं कि सुन पाएंगे देख पाएंगे और लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात थी कल से हम लोगों की तैयारी थी अपने साथियों से बातचीत थी कि ये विषय पर जो है थोड़ा लंबी बातचीत करेंगे और जो हमारे आ, साथी हैं वो भी अपने आप को इसमें शेयर कर पाएंगे ये हम उम्मीद लगाए थे कि और लोगों को भी इसमें शामिल करते हुए बातचीत रखेंगे लेकिन हाँ अरे गुंजन भाई चश्मा स्टाइलिश नहीं है आँखें कमजोर हो गई हैं अब क्या किया जाए चश्मा पहनना पड़ रहा है आँखों की वजह से तो ये हमारा मकसद था कि जो ये विषय है जोशी मठ का बड़ा गंभीर है और हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्थानीय प्रशासन है जिला प्रशासन है सरकारें हैं वो जो हैं इस विषय को लेकर के इतनी गंभीर नहीं है जितनी उनको होना चाहिए और क्योंकि मैं तो पिछले छः महीने सात महीने से लगातार इस विषय पर बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ और आप लोगों को भी सूचित कर रहा हूँ और आज भी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो अभी कुछ देर पहले मैं जोशी के बहुत सारे ऐसे घर मकानों को देख करके आ रहा हूँ मैं आज जो है आ, सुनील इलाके में गया और वहाँ जो है आज तो बिल्कुल एक नया नए कुछ छः सात घर ऐसे देखे तो बिल्कुल मैं उनको देख के बड़ा हैरान हूँ लोगों के नए मकान बने हैं अभी दो तीन चार साल पहले और वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं उन पर दरारे आ गई हैं और किसी भी थोड़ा सा जो जैसी बारिश आज वहाँ रुद्रप्रयाग जिले में हुई है या उन्नीस तारीख को जैसे देहरादून में हुई है अगर वैसी बारिश यहाँ हो जाए तो फिर ये जो है कम से कम सौ दो घर तो ऐसे हैं जो किसी भी दिन ढह जाएंगे तो आज भी कोई राष्ट्रीय न्यूज चैनल है एबीपी बी उसे कुछ साथी लोग यहाँ आए थे और वो इस पर कुछ स्टोरी कर रहे हैं जोशीमठ के भूस्खलन पर इस बीच तो बहुत सारे मीडिया के लोग आए हैं तो ये लोग भी आए थे और सुबह से मैं इनके साथ था सुबह नौ साढ़े नौ बजे से और पूरे कोशिश तो ये थी कि पूरे नगर का ही हम लोग एक राउंड लगा लें लेकिन ये संभव नहीं हुआ हम केवल एक ही इलाके में जा पाए और फिर मुझे एक गांव में जाना था मीटिंग के लिए सेलंग गांवों में वहाँ महिलाओं के साथ कुछ बातचीत करनी थी तो मैं वहाँ चला गया साढ़े चार बजे करीब और फिर वो लोग अलग से गए हैं उनको मैंने कुछ नंबर दे दिए संपर्क के कि वो वहाँ जा कर के कर लें तो आ, लोगों से उन्होंने बात की है महिलाओं से और मुझसे भी और अन्य लोगों से भी जो प्रभावित लोग हैं ए चैनल ने और लोगों ने उनको जो बताया है वो बड़ा शॉकिंग है कि किस तरह से प्रशासन के पास लोग लगातार जा रहे हैं और स्थिति यह है कि वो कभी भी मतलब जो घर हम देख के आए हैं उनके तो ये हालत है कि वो अगर जो है दो तीन लोग उनके घर की छत पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और चहलकदमी करें तो वो घर टूट करके नीचे गिर जाएंगे उन घरों में लोग रह रहे हैं और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है कहीं जाने का और किसी भी दिन अभी तो ये सितंबर चल रहा अगस्त चल रहा है सितंबर आएगा और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में कभी भी यहाँ बर्फबारी हो सकती है और बर्फ अगर जैसे ही लोगों के घर में गिरेगी तो वो घर जो है ढहने निश्चित है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहीं जाने का और वो कह रहे हैं कि भाई वो अगर कहीं पर चाहें भी माना कि कहीं अपने दूसरे खेत में दूसरी जमीन पर आ, कोई टीन शेट खड़ा करें तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि वो जमीन भी उनके ढह रही है वो भी जाकर के वो गिर रही है या सुनील में तो ये हालत है कि सुनील में ऊपर से लेकर और नीचे तक जोशी तक वो दरार आ गई है यानी कि एक पूरे जो अभी जो भूवैज्ञानिक आए थे वो भी इस बात को देख करके गए हैं कि मतलब एक खास इलाका है जो औली से शुरू हो रहा है और नीचे जोशीमठ की तलहटी तक यानी कि अलकनंदा नदी के घाटी तक चला जा रहा है एक पूरा पैच जिसमें की सारे घरों में दरार है या जहां पूरी जमीन खिसक रही है जहां मैं खड़ा हूं मेरे घर के बगल में यहाँ पे कुछ ही दूरी पर वहां जो है सड़क नीचे चली गई है और वहां उसके नीचे के जो घर हैं वो भी लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी जो सर्वे सर्वेक्षण टीम आई थी जो सरकार ने भेजी जिसमें के चार पांच विभागों के लोग थे जिसमें आईआईटी रुड़की के लोग थे जिसमें वाडिया और उत्तराखंड सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके भूवैज्ञानिक थे तो आ, जीएसआई के लोग थे उसमें जीएसआई के भूवैज्ञानिक थे तो ये सब लोग आकर के देख के गए अब इनकी रिपोर्ट आएगी बीस दिन में पच्चीस दिन में किसी समय खैर हम संपर्क में हैं उनसे और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जल्दी वो अपनी रिपोर्ट दे दें तो जैसा कि मैं आज वो ए न्यूज़ वालों से भी कह रहा था कि भाई साहब अगर जो है ये अपनी रिपोर्ट दे भी दें हमारे पास तो उन्नीस की रिपोर्ट पड़ी हुई मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास जो अभी ये डॉक्टर नवीन जुयाल डॉक्टर एसपी सतीश जी की रिपोर्ट पड़ी हुई जो कि हमने मुख्यमंत्री को दी है सरकार को दी और असल बात तो रिपोर्ट नहीं है रिपोर्ट हम कितनी भी बढ़िया बना लें कितनी भी अच्छी रिपोर्ट वैज्ञानिक दे दें कितने भी अच्छे बढ़िया सुझाव <domest2> दें लेकिन असल बात यह होगी कि उस रिपोर्ट पर अमल हो सरकार उसको सीरियसली ले, ले सरकार उस पर अमल करे असल बात यह है और उन्नीस की रिपोर्ट भी जो है हमारे लिए कामयाब हो जाती अगर हम लोग हम लोग जो है सरकार उस पर अमल कर लेती लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ असल बात यह और अभी तो हम कह रहे हैं कल परसों मेरे लोगों से बातचीत हो रही थी साथियों से अजय भट्ट हैं और लोग हैं तो उनसे भी यही बात है कि, कि भाई ऐसा हम लोग जो है अब सामूहिक प्रयास को करने होंगे जैसे अजय का भी कहना है कि कि भाई साहब हम ये करें कि भाई लोगों को जागरूक करें तो निश्चित तौर पर मैं तो देख रहा था कि भाई सुनील में एक घर है जहां सकलानी जी का मकान है उसके बगल वाला जो घर है वहां जो है ये हमारे गांव के हैं बिर नेगी जी वकील वकील साहब तो वो बना रहे हैं घर अब उनके घर में अभी मतलब पहला लेंटर पड़ा है और अभी घर में मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब केवल लेंटर पड़ा है और उन्होंने कुछ दीवारें खड़ी की हैं और घर का जो बीम है जो उसका वो है उसमें दरार आ गई बीम में दरार आ गई उसकी जो ज़मीन है जहाँ उनका वो फर्श लगना है वहाँ जो है दरार आ गई वहाँ वो धंस रहा है उसके अलावा उनके घर के बगल की जो जमीन है जहां वो मकान बना रहे हैं उसके बगल की ज़मीन धसक रही है लेकिन वो उस पर घर बना रहे हैं अगर वो उस पर एक मंजिल और चढ़ा लेंगे या इसी को पूरा करते हैं पूरा होने से पहले वो घर धसकने की वह है तो हमको लोगों में भी ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि आप जहाँ हैं जिस जगह पर हैं वहाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा तो ऊपर मंजिल ना चढ़ाएं उसमें उसके ऊपर आगे ना बढ़ें कुछ दिनों के लिए रुकें तो कोई भी नया निर्माण हम लोग जो है रोकें लेकिन इसमें केवल हमारी जागरूकता से नहीं होगा सरकार को भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी पहल करनी होगी ऐसा मैं जैसा उनसे भी कह रहा था वो एबीपी न्यूज वालों से तो मैंने उनसे कहा कि भाई स्थानीय प्रशासन की हालत यह है कि उनके पास अभी तक आंकड़ा ही नहीं होगा कि कितने घर ऐसे हैं कि जिन घरों में दरारें आ गई हैं कौन कितने घर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सीरियसली जिनको कल परसों में ढह जाना है जो कभी भी गिर सकते हैं ऐसे कितने हैं बहुत ही वर्नडेबल जो है बहुत ही संवेदनशील जो घर हैं वो कितने हैं कम संवेदनशील कितने हैं कौन से इलाके ज़्यादा संवेदनशील हैं कौन से इलाकों में ऐसी जमीन है कि जो धसक रही है जहाँ बिल्कुल निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए इन सब का हमारे पास एनालिसिस होना चाहिए आंकड़ा होना चाहिए अब मेरे पास मैं क्योंकि घूमा हूँ सब जगह तो मेरे पास मोटा मोटा एक वह है लेकिन प्रशासन के पास ही होना चाहिए और उनके पास लिस्ट होनी चाहिए मतलब प्रत्येक घर में कितने सदस्य रह रहे हैं अगर आज ही मैं कह रहा हूँ बारिश ज़्यादा जैसे रुद्रप्रयाग में हुआ है अभी उन्नीस तारीख को अभी हमने देहरादून में देखा पौड़ी में देखा कि बादल फट गया ऐसी कोई घटना हो जाए ये घर गिर पड़े तो हमको पता तो रहेगा उस घर में सदस्य कितने हैं मैं तो देख रहा हूँ सुनील में जो है उनका जो है छोटा छो बच्चा वो नाती जो है वो सो रहा है उस घर के अंदर अभी उसकी उम्र जो है साल भर भी नहीं है और अगर वो गिर जाए कुछ तो क्या कौन इसका जिम्मेदार है तो कम से कम इसको हमको प्रशासन को कम से कम इतना संवेदनशील होना चाहिए कि आपदा आने के बाद आप लोगों को बचाएंगे उनको पैसा देंगे वो अलग बात लेकिन आपदा आने से पहले आप कुछ तैयारी कर लें कम से कम उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर अभी भेज दें कल उनका घर गिरे वो मरे तो नहीं कोई कम से कम जान तो बचे लोगों की इसको थोड़ा सा इसको लेकर के हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन हो चाहे हमारा स्थानीय प्रशासन उसकी बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि हमने एसडीएम से कहा कि भाई हमारा घर की हालत है तो वो कह रहे हैं कि भाई आप दीवार गिरा दो इसकी अब दीवाल गिरा दो का मतलब ये है असल में कि जब घर पूरी तरह ढह जाएगा तब हम कुछ कर सकते हैं वैसे एक तरह से देखें तो उनकी बात बिल्कुल सही है मुआवजा तभी दे सकते हैं जब घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाए आदेश क्षतिग्रस्त होने पर उनको बमुश्किल मुश्किल पंद्रह बीस हजार या पचास हजार रुपये मिलेगा और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया तब भी उनको तीन साढ़े तीन लाख रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा असल बात तो ये है अब जब हम दूर तक जाएंगे तो बात तो यहाँ जाएगी कि हमारी जो विस्थापन नीति है वही सबसे गड़बड़ है उसमें जो है जब आपका पूर्ण विस्थापन होना है तो उसमें आपको बमुश्किल चार लाख रुपया मिलना है आधा नाली जमीन मिलनी है तो लड़ाई को तो यहाँ तक जाना है लेकिन अभी जो वर्तमान में फिलहाल हम तदर्थ जो स्थिति है इसमें यह कर सकते थे तात्कालिक तौर पर कि कम से कम उन घरों को चिन्हित करने जिन घरों में दरार आ गई हैं जिन घरों को बिल्कुल कल परसों में गिर जाना है उन घरों को चिन्हित करके उन घरों को खाली करवा के और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनको हमें डिसमेंटल कर देना पड़ेगा तत्काल यानी कि उनको गिरा देना पड़ेगा अपने आप कुछ ना कुछ पैसा उन घर वालों को दे करके जिनके मकान है ताकि उन घरों की वजह से दूसरे घर न गिरें क्योंकि कुछ घर तो ऐसे हैं वहाँ छावनी बाजार में कि अगर एक मकान गिरेगा तो उसको वो जिसके ऊपर गिरेगा वो मकान भी गिरेगा फिर उसके ऊपर दूसरा मकान गिरेगा क्योंकि वो बिल्कुल कैसकेटिंग इफेक्ट इफेक्ट की तरह यानी कि जैसे ताश के पत्ते एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं वैसी हालत वहाँ होने वाली है सबसे सघन बस्ती हुआ है और वहाँ ये स्थिति है कि वहाँ जो है उनके पास जमीन का भी झगड़ा है कि वो जो पूरी वो बिल्कुल इतने गरीब और दलित लोग हैं कि उनके पास जो है दूसरी जमीन भी नहीं है कि वो कहीं और जाके जमीन ले लें या वो जमीन भी जिसमें उन्होंने मकान बनाया बहुत सारे लोग तो ही ऐसे हैं जिनके पास उस जमीन का भी मालिकाना नहीं तो ऐसी हालत में हमको मल्टी लेवल बहुत तरह की चीजों को सोचना देखना समझना पड़ेगा इसलिए मैं इस लाइव में आना चाहता था कि कम से कम हमारे अन्य साथी भी इसमें शामिल होते और कम से कम जोशी मठ के लोग इसमें होते लेकिन हालत यह देखिए मैं आपसे जैसा कह रहा था अब बाकी लोग आ गए तो उन्हें दिखाता हूँ ये स्थिति है जोशीमठ में दो दिन से लाइट नहीं है ये गाड़ी की हेडलाइट है और ये गाड़ी की बैटरी से ही मैं फोन को चार्ज करता हुआ इसको चला रहा हूँ और पूरा देखिए पूरा जोशीमठ जो है अंधेरे में है ये सब जगह अंध अंधकार है ना और तो अब ऐसे में तो जोशीमठ के लोग तो ऐसे नहीं देख पाएंगे लेकिन फिर भी ये था कि हमारी बात चली जाए तो मैं अभी भी अगर सरकार के लोग प्रशासन के लोग इसको देख पा रहे हैं या देखें तो कम से कम वो इतने संवेदनशील तो बने कि मैंने जैसे सुझाव रखा है मैं ये कह रहा हूँ कि एक तहसीलदार हमारे पटवारी पीडब्ल्यूडी का एक जेई और हमारा जो जिस वार्ड का में हो रहा है सर्वे उस वार्ड का मेंबर वो जो है जा कर के और हमको चाहे हमको शामिल कर लें उसमें हम जाने को तैयार और हर एक घर का एक तरह से कम से कम डेढ़ दो सौ लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दी है उन डेढ़ दो सौ लोगों डेढ़ दो सौ लोगों को क्या, क्या जो जिन्होंने अपने घर की फ़ोटो दिया है प्रार्थना पत्र दिया है उन घरों को तो कम से कम हम देख लें क्योंकि बहुत संवेदनशील उनकी स्थिति है बहुत वो ऐसी हालत में जर्जर जर हालत में वो घर है तो वहाँ हम उनको देख लें किस घर को हम तत्काल क्या सहायता दे सकते हैं किन लोगों की क्या सहायता होनी है उसकी हम लिस्टिंग कर लें और हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है राज्य सरकार का मैं हम कोशिश कर रहे हैं कल यहाँ से जा करके के और परसों देहरादून में उनसे मिलने की कि भाई उनसे हम मिलें और जोशीमठ के और लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं दो तीन लोग हम जाएं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये जो है बहुत वैसी स्थिति है और आप तत्काल इसमें कुछ करें वो रिपोर्ट आएगी पंद्रह बीस दिन बाद लेकिन उस रिपोर्ट से आने से पहले हम स्थानीय स्तर इस पर हमारा स्थानीय प्रशासन क्या कर सकता है देख लें क्योंकि सितंबर का महीना आएगा अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड हो जाएगी लोग जो है अपने घर की दरारों को अपने पुराने कपड़ों से ढक करके और किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं और ये बहुत खराब स्थिति है ठीक नहीं है कल के दिन मतलब अचानक कहीं आपदा आ जाए वो एक अलग बात है अचानक कोई भूकंप आ जाए वो अलग बात है लेकिन जो है हम देखते समझते हुए जबकि लोगों के घर टूटे हुए हैं दरार आ गई है वो कभी भी गिर सकते हैं ऐसी हालत में लोगों को मरने के लिए छोड़ देना ये तो हमारी सरकार के लिए ठीक नहीं है ये ठीक बात नहीं है इसके लिए हमने राज्य नहीं मांगा था कि हम लोग ऐसी हालत में हों और हमारी सरकारें हमारी तरफ देखें भी नहीं तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए सरकारों को हमारे प्रशासन को ये हम कहना चाहते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपदा प्रबंधन विभाग में जाएंगे आ, कल परसों में वहाँ कोशिश कर रहा था मैंने आज भी उनको फ़ोन किया सचिव साहब को उन्होंने उठाया नहीं सिन्हा साहब ने फ़ोन तो मैं लेकिन उनको मैसेज कर रहा हूँ कि भाई वो हमको कल परसों मिलने का समय दें तो हम उनसे मिले और आ, मंत्री साहब से मुख्यमंत्री साहब से भी हम मिलना चाह रहे हैं लगातार मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई उनको इन सब सवालों पे चाहे वो हेलंक का सवाल हो चाहे ये सवाल हो इन पर बातचीत करनी चाहिए लोगों से मिलना चाहिए लोगों से और ये मतलब कोई भी सरकार हो कोई भी मंत्री हो मुख्यमंत्री हो कुछ भी हो बातचीत करना प्राथमिक चीज़ है है ना बातचीत से बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं और ये वाला जो सवाल है जोशी मठ का बड़ा संवेदनशील सवाल है इस पर बातचीत होनी चाहिए हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री साहब से भी हम समय ले रहे हैं कि मिलें उनसे और तत्काल वो जो है लोगों को कुछ राहत पहुंचाएं इसकी हमारी कोशिश है हमारी कोशिश ये भी है कि भाई महेंद्र भट्ट जी यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस इलाके के बारे में सोचें बोलें अभी तक उनका एक बयान नहीं आया हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकार के सामने इस बात को रखें इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व तो किया है वो यहाँ के विधायक रहे हैं पाँच साल उनसे भी हमारा ही निवेदन है कि वो आए देखें यहाँ की हालत को और उसके बाद जो है सरकार के सामने इस पक्ष को रखें तो ठीक है वो हमको अगर नहीं मुख्यमंत्री मिलना चाहें तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन कम से कम अपने स्थानीय लोगों से तो मिलें यहाँ के स्थानीय भाजपा के भी तो लोग हैं कोई जिला में अध्यक्ष होगा कोई नगर में अध्यक्ष होगा ये लोग रखें वहाँ बात को और ना उनके बस में हो रहा हो बात रखना तो हम उनको लिख करके के देने को तैयार हैं कि भाई लिखित में हमने सब सुझाव रखे हैं फेसबुक पर हमारे सारी बातचीत है है ना तो यही मैं कहना चाह रहा था क्योंकि अब जोशी मठ तो लाइट है नहीं और मैं यहाँ पे बिल्कुल उसमें खड़ा हूँ तो बहुत देर इस बात को नहीं कर सकता आप लोगों का आ, मैं देख रहा हूँ सब लोग आ, का लोगों की रिएक्शन भी आई है और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और मैं चाहता था कि ये लंबा थोड़ा सा हो इसमें बातचीत भी लंबी हो क्योंकि मेरे पास वो जो फाइंडिंग्स हैं उसकी रिपोर्ट थी छिहत्तर की रिपोर्ट पर मैं बात करना चाहता था और इस पर भी कि ये जो हमारे डॉक्टर जयाल और डॉक्टर सतीश जी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर भी भले मैंने लिखा तो है उसको फेसबुक पर और मैं चाहता था कि उस पर बात हो लेकिन क्योंकि इन हालात में जैसे ही अब कल परसों में मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएंगे और लाइट वाइट ठीक रही तो फिर आपसे मुखातिब होंगे बातचीत होगी और आप लोगों ने इतनी देर मुझे देखा और ये बात थोड़ा आगे जाए ये उम्मीद है और सरकार प्रशासन थोड़ा इससे चेते लोगों के ये जो हालत है इस पर ध्यान दे ऐसी उम्मीद है और फिर अंतिम विकल्प तो हमारे पास वही है मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं जोशीमठ की जनता से कि हम लोगों ने लगातार बहुत सारे सवालों पर यहां लड़े और जीते हैं तो इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेंगे और बिल्कुल इसके लिए तो आप सब लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सड़क पर आएँ और मिल करके इसके लिए लड़ेंगे इसी बात के साथ कि हम जो है इसमें जो हमारे प्रभावित लोग हैं बहुत बुरी स्थितियों में रह रहे हैं जोशीमठ शहर बहुत पुराना शहर है है ना और इसका ऐतिहासिक महत्व है सांस्कृतिक महत्व है पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है इस शहर को इस तरह तबाह होने नहीं दिया जा सकता लिहाजा हम सब लोग मिलकर के इसको बचाने की लड़ाई लड़ेंगे बचाएंगे है ना और आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा ये उम्मीद हमको रहेगी इस बात के साथ धन्यवाद आप लोगों ने इतनी देर मुझको देखा और इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ये भी उम्मीद रहेगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत शुक्रिया